हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द डेस्क आज की हमारी स्टोरी का नाम है कैचिंग द थीफ कैचिंग यानी पकड़ना थीफ यानी चोर चोर को पकड़ना वंस देर वॉज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल फार्म वंस यानी एक बार देर वॉज अ फार्मर एक किसान था यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देर का इस्तेमाल किया गया है हु हैड अ स् स्मॉल फार्म फार्म यानि खेत जिसके पास छोटा सा खेत था ही ग्र्यू कॉर्न ऑन हीज फार्म एवरी ईयर ग्रू कॉर्न मतलब मक्का उपजाता था यहाँ पर ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रू एवरी ईयर मानी प्रत्येक वर्ष वह प्रत्येक वर्ष अपने खेत में मक्का उपजाता था इट वॉज जस्ट सफिशियंट फॉर हिज फैमिली सफिशियंट मानी पर्याप्त यह उसके परिवार के लिए पर्याप्त था इट वॉज़ द मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल का महीना था एंड द वेट हार्वेस्ट वॉज रेडी वेट हार्वेस्ट मतलब गेहूं की फसल रेडी यानी तैयार थी गेहूं की फसल तैयार थी द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी टू लुक एट इट वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश होना किसान बहुत खुश था यह देख के ही वेंट होम यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म है ये वेंट वेंट मतलब जाना होता है ही वेंट होम वह अपने घर गया एंड मेड अ प्लान प्लान मतलब योजना उसने एक योजना बनाई टू रिप इट द नेक्स्ट डे रिप मतलब काटना होता है इसे काटने की योजना बनाई द नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह द फार्मर रिच द फार्म अलोंग विथ हिज सन फार्मर रिच द फार्म फार्मर रिच द फार्म किसान खेत पर गया अलोंग विथ हिज सन उसके बेटे के साथ ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज फार्म एम्पटी सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना एम्पटी यानी खाली वह आश्चर्यचकित हो गया उसके खाली खेत को देखकर. Somebody had हैड रिव्ड हिज हार्वेस्ट एट नाइट यानी किसी ने उसकी फसल को काट लिया था रात को हार्वेस्ट यानी फसल एट नाइट मतलब रात को किसी ने रात को उसकी फसल काट ली थी द फार्मर फेल्ट वेरी सैड ये फिल का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट द फार्मर फेल्ट वेरी सैड किसान को बहुत बुरा लगा एंड रिटर्न होम रिटर्न मतलब वापस आना और वो घर वापस आ गया द हेल्पलेस फार्मर वेंट टू दैपिटल एंड शॉर्ट परमिशन टू टू सी द किंग द हेल्पलेस फार्मर मददहीन किसान वेंट टू द कैपिटल अपनी राजधानी वापस गया एंड शॉर्ट परमिशन और उसने आज्ञा ली टू सी द किंग राजा से मिलने की आज्ञा ली रीचिंग द कोर्ट दरबार पहुंचकर कोर्ट यानी राजा का दरबार दरबार पहुंचकर ही टोल द किंग टू पनिश द थिफ एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक ही टोल्ड द किंग उसने राजा से कहा टू पनिश द थिफ चोर को दंडित करने के लिए यहाँ पनिश का मतलब होता है दंडित करना एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक क्रॉप मतलब भी फसल होता है टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक उसकी फसल वापस लाने के लिए कहा राजा से द किंग थाट ओवर द मैटर कुली थॉट मतलब सोचना ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट ओवर द मैटर मतलब इस मुद्दे पर कुली मतलब आराम से अच्छे से सोचा सोचना ठंडे दिमाग से सोचा द किंग थाट ओवर द मैटर कुली राजा ने इस मुद्दे पर ठंडे दिमाग से सोचा एंड देन सेंट हीज सोल्जर्स टू ब्रिंक ऑल द फार्मर्स ऑफ द विलेज बिफोर हिम और तब उसने सैनिकों को, को गांव के सारे किसानों को उसके सामने लाने के लिए कहा वेन दे हैड कम जब वे आए द किंग सेड राजा ने कहा हियर आर सम मैजिक स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ मैजिक स्टिक्स मतलब जादुई छड़ी इक्वल लेंथ मतलब एक ही साइज के यहाँ पर कुछ जादुई स्टिक्स हैं जादुई छड़ियाँ हैं एक ही साइज़ की आई आई गिव ईच ऑफ यू स्टिक गिव मतलब देना होता है ईच ऑफ यू मतलब तुम सभी को आई गिव ईच ऑफ यू स्टिक मैं तुम सभी को एक एक छड़ी देता हूँ ब्रिंग दैम बैक टूमोरो ब्रिंग मतलब लाना बैक मतलब वापस लाना टमोरो मतलब कल इन्हें वापस कल लेकर आना इफ़ देर इज अ थिफ इन द हाउस ऑफ एनी ऑफ यू अगर तुम्हारे तुम्हारे इफ देर इज अ थिफ इन द हाउस ऑफ एनी ऑफ यू अगर तुम्हारे घर में कोई भी चोर है हिज स्टिक विल ग्रो लॉन्गर देन द अदर्स by टू centimeters, his stick मतलब उसकी छड़ी will grow longer, grow longer मतलब बड़ी हो जाएगी देन others दूसरे से बड़ी हो जाएगी by टू centimeters, दो सेंटीमीटर centimeter, बड़ी हो जाएगी The farmers, the farmers went away, went away मतलब चले जाना किसान चले गए द फार्मर had रिप्ड द हार्वेस्ट ऑफ द फार्मर सेड टू हिमसेल्फ द फार्मर हैड रिप्ड हार्वेस्ट ऑफ़ अदर फार्मर सेड टू हिमसेल्फ रिप्ड यानी काटना हार्वेस्ट यानी फसल होता है हिमसेल्फ यानी अपने आप से द फार्मर हैड रिप्ड किसान जिसने फसल काटी थी द हार्वेस्ट दूसरे किसान की फसल काटी थी वो किसान जिसने दूसरे किसान की फसल काटी थी से टू हिम सेल्फ उसने अपने आप से कहा आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट मैं अपराधी हूँ एंड माई स्टिक विल इंक्रीज बाई टू सेंटीमीटर्स मेरी छड़ी जो है इंक्रीज होगी मतलब बड़ी हो जाएगी मेरी छड़ी दो सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी सो इसीलिए आई मस्ट कट अ पीस ऑफ टू सेंटीमीटर्स ऑफ माय स्टिक इसीलिए यहाँ पर सो का मतलब होता है इसीलिए आई मस्ट कट अ पीस ऑफ टू सेंटीमीटर्स मुझे दो सेंटीमीटर मेरी छड़ी की दो सेंटीमीटर काट देना चाहिए इन दिस वे इस तरह से आई विल नॉट बी कॉट मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा ये कैच का सेकेंड फॉर्म है कॉट मतलब पकड़ना होता है आई विल नॉट बी कॉट मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा सो इसीलिए ही कट सो इसीलिए ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टनड इट शॉर्टन मतलब छोटा करना उसने छड़ी को काट दिया और छोटा कर दिया दो सेंटीमीटर द नेक्स्ट डे दूसरे दिन द फार्मर्स केम टू कोर्ट किसान जो है सारे किसान जो है वह वा, वापस आते हैं कोर्ट में दियर स्टिक्स वर कम्पेय उन सभी की स्टिक्स उन सभी की छड़ियों को छड़ियों की तुलना की गई एंड यहाँ पर कंपेयर मतलब तुलना करना होता है एंड वन ऑफ दैम उसमें से एक छड़ी वॉज फाउंड टू बी द शॉर्टर उनमें से एक छड़ी छोटी पाई गई फाउंड मतलब ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड छोटी पाई गई दस इस तरह से द थिप वॉज कॉट चोर पकड़ा गया ही वॉज नॉट ओनली ऑर्डर्ड टू रिटर्न द स्टॉलन हार्वेस्ट बट वॉज जेल्ड अल्सो ही वॉज नॉट ओनली ऑर्डर्ड व उसे ना कि आदेश दिया गया चुराए गए फसल को देने के लिए बल्कि उसे जेल भी हुई बट वॉज जेल्डो बल्कि उसे लेकिन उसे जेल भी हुई मॉरल सो so, इस स्टोरी का मॉरल है इस स्टोरी की सीख है A guilty conscience needs no accuser. A guilty conscience needs no accuser. अपराधी को किसी भी अभियुक्त की आवश्यकता नहीं होती है अपराधी को किसी भी अभियुक्त की आवश्यकता नहीं होती है सो so, फ्रेंड्स uh, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और थैंक यू सो मच